आज हम बनाएंगे सोयाबीन की मिक्स सब्जी एकदम मस्त टेस्टी न्यू स्टाइल में। तो आइए बनाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल को डाल दिया है। तेल मैंने यहाँ पे सरसों का ही यूज़ किया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने जितना हमें सोयाबीन्स चाहिए उतना मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, हल्का सा रोस्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे और वापस से उसी कढ़ाई में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सोयाबीन निकाल लिया है मैंने, अब वापस से उसी कढ़ाई पे हम तेल डालेंगे, सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल में इसको बना सकते हैं, आपका चॉइस है। तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा को हल्का सा हम भून लेंगे और जब ये जीरा चटकने लगे तो इसमें हम थोड़े से दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, दो तेज़पत्ता डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये देखिए प्याज डाल दिया है मैंने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और प्याज को हम अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू। मैंने आलू को अच्छे से उसका छिलका निकाल कर धोकर उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भून लेने के बाद इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। मसाला हमारा धनिया, प्याज, काली मिर्च, लहसुन और धनिया का ये हमारा पेस्ट था, उसी को हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और बस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें सिर्फ सूखा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है और एकदम अच्छे से सूख भी गया है आलू के साथ, और एकदम अच्छे से इसका मसाला भुन गया है अच्छे से सब्जी में। तो अब इसमें हम सोया बड़ीज़ भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सोयाबीन और आलू अच्छे से हमारे पक चुके हैं, मसाले के साथ भुन चुके हैं। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है। पर ये देखिए हमारा किस तरीके से सूखा सब्जी बन गया। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको निकाल सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा दाल डालूँगी। यहाँ पर मैंने चना डाल लिया है उबला हुआ, क्योंकि मैं इसी का दाल बना रही थी तो उसी में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और इसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। इसको हम इसके साथ भून लेंगे थोड़ा और बस जितना पानी चाहिए उतना पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम उबाल देंगे। तो अब इसको पानी के साथ अच्छे से हम पका लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। तो हमारी आलू सोयाबीन और चना दाल की सब्जी एकदम रेडी है, मिक्स वाली, बहुत ही एकदम टेस्टी, लाजवाब। एक बार खा के देखना, बहुत टेस्टी लगेगी। लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा सब्जी रेडी होता है। तो चलिए इसे ठंडा करके हम सर्व करते हैं। तो सब्ज़ी हमारा एकदम टेस्टी बना है फ्रेंड्स, ज़रूर इंजॉय।